गाइस आज मैं आपको बताऊंगा अदा शर्मा की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जैसे इनकी फैमिली में कौन कौन है, इनकी एज 2023 में कितनी है, इनका बॉयफ्रेंड कौन है, इनके पास कार कौन सी है, क्या इनकी शादी हो चुकी है या नहीं, अदा शर्मा के करियर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन कैसा रहा और इनकी नेटवर्थ 2023 में कितनी है और अदा शर्मा एक महीने का कितना रुपए कमाती है और ये पर मूवी कितना रुपए चार्ज करती है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इनका रियल नेम जो है अदा शर्मा एंड निक नेम रजनी स्पाइडर है। अदा शर्मा प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल भी है। अदा शर्मा का जन्म हुआ था 11 मई 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में और ये 2023 के हिसाब से 31 ईयर्स की हो चुकी है। अदा शर्मा नेशनलिटी से इंडियन एंड रिलीजन से एक हिंदू है। अदा शर्मा का होम टाउन पलक्कड़ केरला है, ये वहीं पर रहती है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूल की स्टडी ऑक्सलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से कंप्लीट की और इनकी कॉलेज के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है खाटक से। इनकी डांस अकेडमी नटराज गोपी कृष्णा खाटक डांस यूनिवर्सिटी मुंबई है। अदा शर्मा की हॉबीज में इन्हें वाचिंग मूवीज, वाचिंग एविल पोएम्स, मिमिकिंग पीपल एंड प्लेइंग पियानो बेहद ही पसंद है अदा शर्मा को। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली एंड बॉयफ्रेंड अफेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको अदा शर्मा के करियर के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 2014 में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक नाम से की थी। इस फिल्म में उन्होंने हयाती का रोल प्ले किया था। 2008 में अदा ने 1920 नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने लीजा सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था, ये हॉरर फिल्म थी। उसके बाद राणा विक्रम 2015 में, फिर इद्धुनामा आलू फिल्म की थी 2016 में, और ये ही नहीं अदा ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन सीरियल में भी काम किया। 2014 में उन्होंने पुकार नाम से एक टेलीविजन धारावाहिक किया था। उन्होंने उस सीरियल में आरती का रोल प्ले किया था। यह सीरियल लाइफ ओके चैनल पर होता था। 2011 में उन्होंने फिर नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उन्होंने दिशा की भूमिका निभाई थी। 2013 में उन्होंने हम है राई कार के नाम की फिल्म की थी। उन्होंने संजना मेहरा का इसमें किरदार निभाया था। 2014 में उन्होंने हसी तो फसी नाम से एक हिंदी फिल्म की थी। इस फिल्म में उन्होंने करिश्मा सोलंकी की भूमिका निभाई थी। 2015 में उन्होंने तेलुगु फिल्म सन ऑफ सत्यमूर्ति के नाम से काम किया। इस फिल्म में उन्होंने पल्लवी कोलासानी की भूमिका निभाई थी। 2017 में उन्होंने कमांडो 2 नाम की हिंदी फिल्म की थी। इस फिल्म में उन्होंने भावना रेड्डी की भूमिका निभाई थी और फिर 2019 में भी उन्होंने कमांडो 3 में भी काम किया, उसमें भी उन्होंने भावना रेड्डी की किरदार निभाया था। और ऐसे ही इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और आज के समय में अदा शर्मा को कोई भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में अदा शर्मा की एक और नई फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में आया था और अभी इस फिल्म को रिलीज कर दिया, जिसका नाम है द केरला स्टोरी। तो अब देख लेते हैं इनकी फैमिली की तरफ। तो इनके फादर का नाम है लेट एसएल शर्मा, जो इंडियन आर्मी है, और अदा शर्मा की मदर का नाम है शीला शर्मा, जो क्लासिक डांसर है। इनकी सिस्टर एंड ब्रदर के बारे में हमें अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर बात करें इनके बॉयफ्रेंड अफेयर की, तो इनकी डेटिंग की बात चली थी सुमित बहरी से। अदा शर्मा अभी अनमैरिड है। तो फाइनली अब एक नजर डाल लेते हैं इनके कार कलेक्शन एंड नेटवर्क मंथली इनकम की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, अदा शर्मा की नेटवर्थ एज ऑफ 2023 इन 10 करोड़ रुपीस, मतलब 10 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है 2023 में, एंड इनकी मंथली इनकम 8 से 10 लाख तक होती है। पर मूवी की बात करें तो प्रेजेंटली अदा शर्मा चार्जेस 45 लाख फॉर ईच मूवी, मेकिंग हर 38 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्ट्रेस। और इनके हाउस भी काफी लग्जरियस अपार्टमेंट इन द सबर्ब ऑफ मुंबई, जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। और अदा शर्मा के पास कार्स में मर्सिडीज बेंज ई क्लास होंडा सीवीसी है, जो कि ये भी काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप भी अदा शर्मा के फैंस हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।